कराची में साइक्लोन ने हिट किया हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है, लोगों ने यहाँ से नकल मकानी कर दी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उठना था सुबह को 4 बजे, लेकिन सफ़र की थकावट इतनी थी कि सुबह को आंखें नहीं खुली और सुबह को नमाज भी मिस हो गई। उसके बाद अब हम उठे हैं 6 बजे, और 6 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम हमने ये किया कि हम पहुँचे हैं कराची का सबसे बेहतरीन स्पॉट सेवी पर। सो जी, मैं हूँ आशी, आप देख रहे हैं आशी डेली व्लॉग्स एंड वेलकम टू माई चैनल। कराची की आवाम जिंदा दिल आवाम। सुबह सुबह आज वर्किंग डे है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग हैं, कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ इंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहा रहे हैं, लेकिन लाइफ का मज़ा लिए जा रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हो? ओके, उठाओ। आ जा, ये बंद भी होता है। सच में? हाँ, उठाओ। ये कोई बटरफ्लाई तो नहीं है? देखो, लेकिन इसको कंप्रेस करोगे ना टूट जाएगा फिर ये बीच में। ना, बटरफ्लाई वाली साइन है ये, क्या चीज है? ये पत्थर होगा ये। पैरों के नीचे से ज़मीन का निकल जाना, तो जब आप समंदर के पानी में खड़े हुए हैं, जब पानी की लहरें आती हैं और पानी की लहरें जब वापस जाती हैं, तो सारी ज़मीन नीचे से बहा जाता है। ये भी एक्सपीरियंस है अपना। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। ये वो समंदर का हिस्सा है जिसे गवर्नमेंट ने काट कर फिलिंग करवा कर और स्प्लैश बनवाया, जो कि समंदर से बहुत करीब, लहरों को आप बहुत करीब से देख सकते हैं। कराची में साइक्लोन ने हिट किया हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है, लोगों ने यहाँ से नकल मकानी कर दी है। कहाँ है वो बातें? यहाँ तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया भाई। सीव्यू के सीन के बाद अभी हम जा रहे हैं खापे के सीन के लिए, और खापे के सीन के लिए सबसे बेस्ट जगह है बोट बेसिन। तो जी, ये रहा आपका बोट बेसिन।